भारत भर में कई ऐसी ऐतिहासिक जगहें हैं जिनके बारे में तमाम डरावनी बातें फैली हुई हैं। ऐसी ही एक जगह है राजस्थान के कोटा शहर में स्थित ब्रजराज भवन पैलेस। इस महल को देश की 10 सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में शामिल किया जाता है। करीब 4 दशक पहले इसे एक होटल का रूप दे दिया गया था। इसके बाद भी कुछ लोगों ने महल के अंदर डरावने अनुभव किए। कुछ पत्रकारों ने इस महल में कभी चौकीदारी करने वाले राजाराम कुमावत के बेटे माधव से बात की। माधव ने इस महल से जुड़ी कई बातें शेयर की। उन्होंने बताया कि कैसे यहां ड्यूटी पर सोने वाले गार्ड को अचानक थप्पड़ पड़ता है और किस वजह से इसे हॉन्टेड पैलेस कहा जाता है। राजस्थान के कोटा शहर में चंबल नदी के किनारे बना आलिशान महल ब्रजराज पैलेस करीब 190 साल पहले बनाया गया था। ये कोटा के रजवाड़े खानदान की अमानत है। देश में जब ब्रिटिश शासन आ गया तो इस पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इस महल में अंग्रेजों के बड़े अफसर रुकते थे। बताया जाता है यहाँ आज भी एक अंग्रेज अफसर का भूत घूमता है। माधव का कहना है इस महल के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ ड्यूटी पर अगर कोई गार्ड सोया तो उसे सोते समय एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। यह थप्पड़ किसने मारा यह पता नहीं चलता। लोग मानते हैं कि उस नेजर की आत्मा ही थप्पड़ मारती है। यही नहीं, सिगरेट पीने वाले लोगों को भी इसका शिकार होना पड़ता है। हालांकि मेरे पिता के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ।